Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लड़का हुआ है। अच्छा, कितना सुंदर है। हाँ, सुंदर है, अपनी माँ पे गया है। मगर भगवान करे उसका नसीब माँ जैसा न हो। लेकिन उसका क्या होगा, वो कामिनी के साथ जेल में पलेगा ना? सारी जिंदगी नहीं, कानून सिर्फ इतनी छूट देता है कि जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है उसे माँ के साथ रहने दिया जाता है। हाँ, फिर एक रोज माँ और बच्चे को अलग करके आपका कानून शक्ति और कामयाबी का जश्न मना रहा है। एक बात कहूं आशा, ये कानून जिसके तुम 24 घंटे धज्जियां उड़ाती रहती हो, मैं उसका मुलाजिम हूं और हम उसकी रोटियां खाते हैं। लेकिन आपकी आत्मा तो किसी के गुलाम नहीं है। क्या ये झूठ है कि सारी सारी रात आप करवटें नहीं बदलते रहे? उस मासूम बच्चे की मुस्कुराहट आपके जहन में शोर नहीं मचाती रही? या फिर मैं ये समझू कि इस वर्दी को पहनकर आपने अपने जज्बात और एहसास को कानून के भारी पत्थर के नीचे दबा दिया है? तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन क्यों? इसलिए कि कानून कानून है। रेत पे लिखी हुई कोई प्रेम कहानी नहीं है जिसको जब चाह हाथ से लिखा और जब चाह मिटा दिया। याद रखना इस बात को। तुमने आज भी बच्चे को दूध नहीं पिलाया। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हर वक्त सोच सोच कर अपने दिमाग पर बोझ डालती रहती हो? याद रखो कामिनी, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम खुद गर्द होती जा रही हो। तुम इस बच्चे से उसकी ममता छीन रही हो, उसकी खुशी छीन रही हो। मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, छीन तो मेरा सब कुछ गया है। बचपन में माँ बाप छीन गए, रिश्तेदारों की नफरत और जुल्म के सहारे जीती रही, मगर शिकायत नहीं की।
नौकरी की ताकि अपने पांव पर खड़ी हो सकूं, जिंदगी का सफर तय करने के लिए। मगर मालूम नहीं था कि रास्ता मुझे कहां ले जाएगा। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते वरवधु को माला पहनाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुरो नमस्ते। मांग में सिंदूर भरिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। भाई साहब मुबारक हो, शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूं, हाँ बस दो तीन दिन की तो बात है, जाते ही मैं भैया से बात कर लूंगा। उन्हें जब पता चलेगा कि मैंने चुपचाप शादी कर ली है तो तुम क्या समझती हो वो तुम्हें यहां रहने देंगे? हाँ एकदम वहां बुला लेंगे। अब तो मुस्कुरा दो, देखो मुस्कुरा कर विदा करोगी ना तो मैं ये मोहिनी सूरत आंखों में बसा कर ले जाऊंगा। मुस्कुरा दो प्लीज। ये हुई ना बात, ज्यादा इंतजार नहीं कराना। तुम फिक्र मत करो, बस गया और तुम्हें बुलावा भेजा। तुम भी नमस्ते। नमस्ते, आप ही कामनी जी हैं? जी हाँ। ये आपकी टिकट, आपको राय साहब ने बंबई बुलाया है। अरे ये तो आज का टिकट है। जी हाँ 1:30 बजे की फ्लाइट है। लेकिन मैंने तो पैकिंग भी नहीं की, कैसे जा सकूंगी आज? वहाँ आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, 1 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है, तैयार रहिएगा। नमस्ते। आ गए। मैडम। हाँ। क्या मैं आपका बैग चेक कर सकता हूँ? प्लीज आइए। बेवकूफ वाली हरकत मत करो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कामनी को कोई नहीं बचा सकता। मैडम यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, ये नहीं। चलो यार। किस चीज की कमी थी तुम्हें जो तुमने हमारे खानदान के नाम पर कलंक लगा दिया? मैंने कुछ नहीं किया अमर,
भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। विश्वास? और तुम पर? एक रोज तुम्ही ने कहा था कि विश्वास और रिश्ते बराबरी में ही किए जाते हैं। उस वक्त मैं तुम्हारी इस बात के जहर को महसूस नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ भोलापन और मासूमियत थी। मेरी सोचों में तुम्हारी नेकी और सादगी के ढोंग की खुशबू थी। मैं अपने हवास खो बैठा था। मैं भूल बैठा था कि मखमल में वाकई ताक का पेवर ही लग सकता। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। जिंदगी तो मेरी तबाह हुई है। तुम्हारे गुनाहों का फल मिला है तुम्हें, जिनमें तुम मुझे भी शामिल करना चाहती। मैंने तुम्हें अपने गुनाहों में शामिल नहीं किया है अमर, बल्कि तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाला है। मेरे गुनाह? हाँ, वो जहर, वो ड्रग्स मेरे नहीं, तुम्हारे थे। मुजरिम कानून के तुम थे, मैं नहीं। अपने पति के नाम पर इल्जाम ना आए, इसलिए मैंने वो जुर्म कबूल कर लिया। हिम्मत से काम लो कामिनी, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। यूं समझ लो कि ये हालात का एक पड़ाव है, और पड़ाव मंजिल नहीं होता। मैडम, बच्चे का स्वेटर बना रही हैं? हाँ। आपकी ये खुशी और इस छोटे से स्वेटर को देखकर ऐसा लग रहा है आंगन में कोई फूल खिलने वाला है। मैडम, क्यों रेत का महल बनाने लगी तू आज? तो ये फिर सब मैडम? ये शंकर का है। कौन शंकर? कामिनी का बेटा। कैसी बात कर रही हो कामिनी, तुम होश में तो? हाँ जेलर साहब, मैं होश में ही हूँ। जो कुछ भी फैसला किया है सोच समझ के ही किया है। शंकर मेरे साथ जेल में नहीं रहेगा। तो फिर कहाँ रहेगा? अनाथ आश्रम में। माँ के होते हुए ये मासूम अनाथ आश्रम में रहेगा? हाँ। नहीं कामिनी, इस मासूम को माँ की जरूरत है। दुर्गा माँ के सहारे छोड़ दूंगी इसे। मंदिर की नहीं, इसे ममता की छाव की जरूरत है कामिनी। ममता की छाव में रहेगा तो हालात की धूप इसे जला देगी जेल साहब। और वक्त और हालात ने से एक दिन सवाल बनाकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब क्या जवाब दूंगी इसको? उसी सवाल के लिए तो खुद से अलग कर रही हूँ। मैंने आज इन अनाथ बच्चों की आंखों में जो खुशी की चमक देखी, उसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। ये लाइब्रेरी और रिक्रिएशन रूम बनाकर हमने इन पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि अपने आने वाले कल की बुनियाद रखी है। हर बच्चे का अगर फर्ज है कि वो पढ़े लिखे, तो उसे खेलने कूदने का भी पूरा हक है। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद कि बच्चों को तन ढकने को कपड़ा मिले, पढ़ने को किताबें और खाने को रोटी। और ये आश्रम इस बात का गवाह है। यहां बच्चों को कपड़ा भी मिलता है, तालीम भी, और पेट भर रोटी। हमें रोटी नहीं मिलती। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? शंकर। यहां आओ बेटा। अभी आपने कहा कि आपको रोटी नहीं मिलती, कौन आपको रोटी नहीं देता? वो। ये हम क्या सुन रहे हैं मुरारी लाल जी? ये बच्चा झूठ बोल रहा है सर जी। बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, ये तो भगवान का अवतार होता है। जाओ बच्चे, मुझे इस बात की एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये बच्चे ना तो अनाथ हैं, ना लावारिस। हम इनके माँ बाप, और अपने जीते जी इनके साथ ना इंसाफी नहीं होने देंगे। नहीं मिलती, अगर दोबारा बोला तो जबान खींच लूंगा। चल माफी मांग। आज के बाद दोबारा अगर किसी बच्चे ने जबान खोली मुरारी, तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जबान बंद कर दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हरामी के पिल्ले को। पकड़ो इसे। क्या भाग गया? हाँ जेलर साहब, वो भाग गया। लेकिन क्यों? माँ की ममता और बाप की बापता, प्यार की तड़प में दौड़ता और हाँपता, कुछ जीता कुछ जागता, थोड़ा सोता थोड़ा जागता। सॉरी साहब,
आज कामनी की सजा खत्म हुई है, क्या जवाब दूंगा उसे? कहां से तलाश करके लाऊं उसके बेटे को? सुना तो ये भी है कि उसके बेटे को बहुत मारा पीटा गया। किसने मारा मेरे शंकर को? बलवंत राय। बलवंत राय? हाँ। कामनी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे शंकर को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तुम मेरे साथ घर चलो, आशा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कामनी तुम कहीं नहीं जाओगी और कोई ऐसा काम नहीं करोगी जो आज आप मुझे नहीं रोक सकते। मैंने अपनी सजा पूरी कर ली है। एक्सक्यूज मी मैम। ये माफ कीजिए, आप कामनी है? हाँ। कामनी राय? सिर्फ कामनी, बाकी सब उन दीवारों के पीछे छोड़ आई हूँ। लेकिन रास्ता रोककर ये सब पूछने की वजह? वजह हम बताते हैं। आप? हमारा नाम जेके है। 5 वर्षों से हमने तुम्हारी जिद और नफरत को समझना चाहा, तुम्हारे मन के घाव की टीस को जेल की पथरीली दीवारों के बाहर सुनना चाहा। तुमने 5 बरस जेल की सलाहों के पीछे गुजारे और हमने 8 बरस इस अपाहिज की कुर्सी पर काटे हैं और हम दोनों को ये घाव तोहफे में एक ही खानदान से मिले हैं और वो खानदान है बलवंत राय का खानदान। तुमसे तो जिंदगी के चंद बरस ही छीने हैं उन्होंने, मगर हमसे तो हमारी जिंदगी ही छीन ली, सब कुछ खत्म कर दिया हमारा। मगर हमारा इंतकाम खत्म नहीं कर सके वो। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बरसों से मेरा इंतजार इसलिए किया ताकि मेरी नफरत को अपने बदले की ढाल बना सके? नहीं, हम अपाहिज जरूर हो गए हैं मगर मोहताज नहीं। जेके को किसी ढाल की जरूरत नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ना खुद जानता है। मेरा मतलब आपके जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था जेके साहब, लेकिन क्या करूं, आईने में अपनी ही सूरत देखकर मुझे शक होने लगता है, कहीं दुश्मन ने मेरा रूप तो नहीं धार लिया। आप तो खैर अजनबी हैं। हम तुम्हारे लिए अजनबी जरूर होंगे मगर तुम हमारे लिए अजनबी नहीं हो कामनी। मुजरिमों और कैदियों की आंखों में ना जाने तुमने कितनी कहानियां पढ़ी होंगी, एक बार हमारी आंखों में झांक कर देखो, एक बार तुम अपने घाव की मरहम तलाश कर लोगी। कल जिस मोड़ पे धोखा खा गई थी, आज उसी मोड़ से जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं समझी नहीं। कल अमर राय मद्रास से आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपके बैग की तलाशी ले सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, लाइए। ड्रग्स? व्हाट नॉनसेंस। ये बैग आप ही का है ना? जी हाँ, मेरा है। क्यों? यू आर अंडर अरेस्ट। एक्सक्यूज मी, गुड लक। पहली कामयाबी मुबारक हो कामनी। इस कामयाबी के पीछे दिमाग तो आपका था जेके साहब, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ना,
खेल खत्म कहां, अभी तो शुरू हुआ है। अमर को जेल हो जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी। अमर को जेल नहीं होगी, बलवंत राय कोई मामूली कमीना थोड़ी है। अब तक अमर की जमानत हो गई होगी। जमानत तो हो गई, लेकिन ये कलंक का टीका जो कामनी ने हमारे माथे पे लगाया है उसका क्या होगा? तुम्हारी बेवकूफी की सजा मिल रही हमें, और वो कमबख्त कामनी हमसे टकराना चाहती है। आज क्लास में बहुत मजा आ गया ना राजू? चलो चलो। क्या कर रहे हो? सर सर, आपके लिए चिट्ठी। बलवंत राय, तुम्हारा बेटा विक्की आज घर नहीं आएगा, क्योंकि वो इस वक्त मेरे कब्जे में है। अपनी औलाद तुम्हें प्यारी है ना, इसलिए पुलिस को इत्तला करना खतरनाक हो सकता है। समझदार हो, इसलिए जहां हम बुलाएं वहां आकर अपने बेटे को ले जाना, जगह हम बता देंगे। कामिनी कामिनी, कामिनी मेरा बच्चा कहां है? उसे छोड़ दो, मेरी सारी दौलत जायदाद ले लो, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो कामिनी। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है बलवंत राय, मैं उसे छोड़ने ही आई हूँ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हुआ कुछ नहीं, सो रहा है, उठा के देख लो। मेरा हाथ, आज के बाद अगर तुमने किसी बच्चे पर हाथ उठाया बलवंत राय, तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी। क्या? हाथ का हिसाब तो मैं कर लूंगा बाप, लेकिन मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, मेरे विक्की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ। लंदन, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ उसे वापस मत भेजना। ठीक है, लेकिन तुम कामनी से होशियार रहना, ओके? मैं तो अपने बेटे को तलाश करते थक गई हूँ माँ, लेकिन निराश नहीं हुई। इतना जरूर जानती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होगा तेरी शरण में होगा, और तू उसकी रक्षा कर रही होगी। मेरे शंकर की रक्षा करना माँ, मेरे शंकर की रक्षा करना। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जीती रहो बेटी, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। दान की नहीं, बलवंत राय को तुम्हारी जान की जरूरत है, चलो मेरे साथ। माइकल। जी मैडम। इस लड़के को हमारा कार्ड दे देना। यस मैडम। मैडम की जान बचाने का शुक्रिया, जिंदगी में कभी काम या पैसों की जरूरत पड़े तो इस पते पर पहुंच जाना। पैसे की? पैसे के लिए तो अपन अपने बाप को भेज डाले यार,
इलायची और सुपारियों से निवेदन है कि अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांट लें। कुछ समय बाद हमारा विमान कुल आके भरता हुआ और अटकेलियां खेलता हुआ कैलाश पर्वत पर बम्भोले कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा, जहाँ ना तो टेंशन है, ना राजनीति के पंगे है, ना AK-47 है, अरे ना करप्शन है, ना गैंगवार है, ना माफिया है, वहाँ तो मिलेगी रंभौर संभा। हमारे विमान के चालक जो भोलेनाथ है, ये बोले कमर कस ले, मन के कंप्यूटर का बटन दबा ले और बोले गंगा मैया। फूलों के जैसन तोहरी जवनिया चढ़ती हो नदिया पे जैसे तूफनिया, खिल दे दे मुझको प्यार की नितनिया, बन जाए जीवन तेरा प्रेम कहानिया। बनवा नहीं भैया प्रेम गिलौरी है, नजू ही जावला का खचीरी देवी है, दिल बस मारी मीठी माधुरी मिलाई के गिलौरी बना के भैया इन क्लच पाइए रे। कैसा चल रहा तुम्हारा होटल? सब फर्स्ट क्लास है। बस अब तुम्हारे शहर में आ गए, आप देख के जाओ क्या क्या होता है। माय फेवरेट रूम। सामान भिजवा दीजिए। यस सर, ये है हमारे पार्टनर। हेलो मिस्टर खन्ना, आई एम बॉब। कौन? वेलकम टू ट्रैप बॉब। नाखून मत चबाओ। पुलिस को बरसों से तुम्हारी तलाश थी, तुमने खुद अपना सर ओखली में दे दिया। और हाँ, राय के साथ की डील का माल भी आ गया होगा। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे पेट में क्या क्या है बॉब,
वो भी हम बता सकते हैं। ओ शट अप, चिल्ला मत, अपनी ये चीखें पुलिस के टॉर्चर के लिए बचा के रखो बॉब। तुम गधे हो बॉब, एक औरत की धमकी से डर गए? नहीं नहीं मैन, गधा अपन नहीं, गधा तुम है। यस राय, ये देखो अपने हाथ को भूल गए, करोड़ों का माल पकड़ा गया उसे भी भूल गए। मैन ये औरत नहीं, स्नेक है, स्नेक नागिन। अपन इसके चक्कर में नहीं पड़ा, अपन तो वापस जाते हैं मैन। हार मान कर जाना चाहते हो? वो तुम जो भी समझो मैन, अपन को इस लफड़े में नहीं पड़ने का है। अपन को ना तो जेल में जाने का है और ना ही अपन को अपना माल पकड़वाने का है, बस। बॉब नागिन के साथ वही खेल सकता है जो उसका जहर और उसका वार जानता है। माल वैसे ही जाएगा जैसे जाना चाहिए। रोको रोको, बैठ रोको। नमक हराम, स्मैक और नमक में फर्क नहीं जानते? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारे किए किराए पर पानी फिर गया। लेकिन बलवंत राय, ये नमक तुम्हें। मैडम, आपसे को मिलने आया है, ये कार्ड दिया है। ये कार्ड तो मेरा है। नमस्ते मैम साहब। आओ भोले। कैसे आना हुआ? कड़की चल रही होगी। क्या साहब, आप तो जादूगर लगता है। क्या क्या कर सकते हो? हाँ वो मैम साहब ने अपने हाथों का चमत्कार देखे ला। औरतों को मुतासिर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप काम बोला ना साहब, जितना बड़ा गर्दन उतना बड़ा रकम। अभी गर्दन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तोहफा भिजवाना। तोहफा? हाँ, जन्मदिन का। जन्मदिन मुबारक हो राय साहब। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे राय साहब। अरे थैंक यू। राय साहब, क्या केक काटने का इरादा नहीं है? वो बस केक आता ही होगा, वैन तो वहाँ से कब के निकलती है। अब इस उम्र में केक क्या करना? केक काटने का कोई उम्र नहीं होता है, और जो झुक जाए वो कमर नहीं होता है। हमारी कंपनी की तरफ से सेठ बगावत राय को जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर बग्गू। मैं बग्गू ने बल, आई मीन बलवंत राय नाम है मेरा। ओह व्हाटएवर, बट यू आर अ ग्रेट मैन। वैसे भी इंसान अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है, यू नो। हमारी कंपनी की तरफ से मोमबत्ती। मोमबत्ती इसका क्या करना है? लगाएगा के नहीं? मोमबत्ती की क्या जरूरत? अरे भाई, एक तो जलेगी शगुन के लिए। ओ या शगुन। या अगर शगुन आप लोग इतना कहते हैं तो मैं क्या। ये क्या है? वो मेरा मूंछ है। मूंछ है या पूंछ है? आओ, पीछे से निकला होता तो पूंछ होता, आगे से निकला है तो मूंछ ही होगा। तुम्हारे बाल घुंघराले और मूंछ सीधी, ऐसा कैसे? कुछ तो माँ पे जाना चाहिए। और इतना हिलते क्यों हो भाई? माँ पे गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तुम्हारे जिंदगी का मोमबत्ती बहुत जोरों से जल रहा है, इसे फूंक मार के बुझा दो। हाँ हाँ भाई साहब, अब मारिए भी फूंक। हाँ नीचे। हंसो हंसो झूमो गाओ मजा मौज करो, है जीना चार दिन तो, चार दिन तो हंस के जियो। कल होगा क्या सोचना छोड़ दो, रोज रोज
रोजी की दारू पियो पीके जियो कल हो का क्या सोचना छोड़ दो छोड़ दो रोज रोज रोटी की दारू पियो पीके जियो कल होगा क्या सोचना छोड़ दो चिंता वही साहब क्लब कैसा चल रहा है बहुत अच्छा हाँ अरे अपना क्या है यार अपन तो गरीब आदमी है अनाज खा के दिन निकाल रहे हैं लो मिलो इनसे हम क्या पत्रकार है क्या चढ़ गए साले को अंगूर की बेटी मेरे अंग पे चढ़ गई अरे कौन है यार टक्कर मारा यार कौन है तू हाँ क्या है
तेरे को कुछ मांगता है क्या? चल जाने दे यार, अप्पू से क्या लड़ना है यार, साला दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, एक टिंगू से क्या लड़ने का, अपने फोकट में किसी से पंगा करने का नहीं है। अबे अबे कौन है यार, टक्कर मारता है? देख हट जा वरना भोला बहुत मारेगा। तुम वहां पर अप्पू बन के खड़ा था और अभी यहाँ पर पप्पू बन के खड़ा है, क्या माइला? अरे संभल गया, संभल गया, तकलीफ नहीं हो रही। चुप रहे अभी, दुख रहा है। कोई मेला नहीं तो कांच फोड़ डाला। अरे अकड़ को रहा था वो, फिर वो कौन अकड़ रहा था? वही कांच, मैं बोला उसको अकड़ मत, नहीं तो भोला बहुत मारेगा। बोले अगर तेरे सामने सड़क टूटने वाला इंजन आ जाता तो अपनी पारो है ना, टायर फोड़ डालती उसका। मेरा तो जी करता है मैं तेरा सर दूं। अरे रहने दे भैया, देखता नहीं साला ब्योड़े में है। ए मैं ब्योड़े में नहीं हूँ, मेरे को होश है पूरा, ये सब दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोस्त ही है, मेरा दुश्मन है। अरे कितना फर्क है तुम लोग दोनों में, तू मेरे को पट्टी बांध रही है, ये मेरे को पट्टी पढ़ा रहा है, और तेरी आंखों में प्यार है धुला रहे, इसकी आंखों में अंगार है बुखार है, इधर दोस्त को घाव है और इसको साले को ताव है। साला नहीं बोलते बोलते भी क्या शेर मारा है मेरे साले। अरे किधर जा रहा है? अबे साले अकड़ मत, रगड़ जाएगा। चल मेरे, अब तू चुप करके सो जा, वरना वरना क्या, वरना क्या मारेगी? तू मारेगी मेरे को? तेरे को शक है? नहीं तेरे को हक है। सो जा भी, अरे बेवड़ा साला, इतना आग दिया फिर भी जा रही है। ये नाउ मैन, नाउ देखो मैन, तुम्हारे केक की मोमबत्ती से तुम्हारे नाक का ये हाल हो सकता है, तो अब जरा सोचो हम इस पार्सल को खोलेगा तो क्या होगा। अपन को इस लफड़े में मत डालो, अपन इसको नहीं खोलेगा। हाँ मैं खोलता हूँ। हाँ फिर अपने ही नमक से थोड़ा सेक लेना, रुई साफ रखी। जेके जेके क्या लिखा है मैं? अरे तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, एक तो वैसे इस कमबख्त कामनी ने नाक में दम कर रखा है, ऊपर से अब जेके भी साथ में मिल गया है। ये जेके कौन है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है जेके कौन है? नहीं सर। अरे नहीं तो मालूम करो जेके कौन है, कहाँ है और कामिनी के साथ इसका क्या रिश्ता है। मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मौके क्यों नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो कामनी? चली जाओ यहाँ से, यहाँ तुम क्यों आई हो? लेकिन क्यों, क्या राज है इस कमरे का जो आप कभी नहीं बताते हैं? हर साल इसी तारीख को क्या होता है इस कमरे में, बता दीजिए ना जेके साहब।
आज मेरी रोशनी का जन्मदिन है। सालिम ने मेरी रोशनी को बुझाकर मेरी जिंदगी में कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा कर दिया है। वो सालिम, वो कातिल और कोई नहीं, वो कमीना, मेरा बिजनेस पार्टनर बलवंत राय है। उस घिनौने कारोबार के हम तीन पार्टनर थे, बलवंत, बॉब और मैं। अपनी ईवी के लाख मना करने के बावजूद भी मैं गुनाहों के दलदल में फंसता चला गया। मगर एक दिन अपनी बच्ची की मासूमियत ने, उसके मुस्तकबिल ने मेरे अंदर को झंझोड़ दिया। मेरी बीवी के आंसुओं के सैलाब ने मेरे जमीर की बुनियादों को हिला दिया और मैं। चलो लिखो बेटा। बस ना बस। ऐसा नहीं कहते बेटे, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। लोग क्यों पढ़ते हैं माँ? इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। आज जो नहीं पढ़ते वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इल्म बहुत जरूरी चीज है, पढ़ लिख कर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, किसी की मोहताज नहीं रहोगी। मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी अब्बू की तरह स्मगलर बनूंगी। रोशनी, कौन सिखा रहा है इसको ये सब? मैं सिखाती हूँ। मैंने ये तो नहीं कहा। मेरी आवाज तो आपके कानों तक कभी पहुंची नहीं। अच्छा हुआ अपनी औलाद की आवाज तो आप सुन पाए। लेकिन रोशनी, जाओ बेटा अंदर जाओ। शाबाश। औलाद से किस बात का पर्दा किया जा रहा है? उसे मालूम है कि उसका अबू एक स्मगलर है। बड़े फख्र से वो अपनी सब सहेलियों को कहती है कि वो एक स्मगलर की बेटी है। स्कूल में चपरासी तो अलग रहे, प्रिंसिपल तक को हिम्मत नहीं कि वो इसे डांट सके। तालीम की रोशनी के बजाय तुमने अपने काले धंधे का मेडल लगा दिया उसके सीने पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बस जान बस। आज ही तो मौका मिला है आपको अपनी फरियाद सुनाने का। खुदा के लिए आज तो छाती पर रखे हुए बोझ को हल्का करने का मौका दे दीजिए। सारी जिंदगी खुदावंद करीम के सामने आपकी सेहत और सलामती मांगती रही, आपकी खुशियां मांगती रही, आपकी जिंदगी मांगती रही। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। आज ये आंचल फैलाकर आपसे आप ही के खून की भीख मांगती हूँ। अपनी औलाद की खुशी के लिए, उसके आने वाले कल के लिए, इस गरीब बदनसीब औरत की झोली में तलाक के 3 बोल डाल लीजिए। नहीं चांद, अगर आपकी गैरत और मर्दानगी को ठेस पहुंचती हो तो एक रास्ता और भी है। हम दोनों का गला घोंट दीजिए, जान से मार दीजिए, खत्म कर दीजिए हमें। नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम तो मेरी जिंदगी का उजाला हो, तुम इस घर का चांद हो। रोशनी तुम्हारी चांदनी है। तुम दोनों अगर मेरी जिंदगी से दूर चले गए तो मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। ऐसा मत कहो। तुमने मुझ जैसे गुनहगार को इस अंधेरे का एहसास दिलाकर आखिरत का एहसास दिलाया है। अगर दुनिया में रहकर मैं तुम्हें जवाब नहीं दे पाऊंगा तो खुदा के घर जाकर उसको क्या जवाब दूंगा? हाँ, आज तुमने मुझे बहुत गहरी नींद से जगाया है जान। आज मैंने अपनी जान का एक नया रूप देखा है। ना, ना। Thank you.
खुदाया रहम करना। मैं इस धंधे को छोड़ रहा हूं। धंधा छोड़ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? बीवी से झगड़ा करके बिजनेस के फैसले नहीं क्या करते? क्यों जी? करेक्ट, उठाओ। हाँ? ऐसी बात नहीं बलवंत, मैंने ये फैसला खुद किया है। लेकिन क्यों? मालूम नहीं, मगर इतना मालूम है कि मेरी बीवी और बच्ची का सुख इसी में है कि मैं ये धंधा ना करूं। कम ऑन मैन, एक ड्रिंक मारो, इरादा बदल जाएगा। कम ऑन, इरादा बदलने के लिए नहीं किया, जरा एस्ट्रे दे। ये रही हमारी हिस्सेदारी की डील। इस धंधे में कमाई हुई अपनी सारी दौलत को मैंने तुम दोनों में बांट दिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, भला हमें तुम्हारी दौलत से क्या लेना देना भाई? हाँ नहीं बलवंत, पैसा क्या है, हाथ पांव सलामत रहे तो और कमा लूंगा, मगर ये दौलत मुझे रास नहीं आई। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर इतना बता दो कि धंधे की हिस्सेदारी खत्म करके दोस्ती तो नहीं खत्म कर रहे हो ना? क्यों ऐसी बातें करते हो यार? मैन, अबे मैन, रिश्ते क्या ऐसे खत्म हो जाते हैं? तो फिर इसी बात पर हो जाए। Yes. दारू पीना भी छोड़ दिया। चलो हम कर लेते हैं चीयर। चलो बेटा। अरे जब्बार भाई, तो आप लोगों ने यहाँ से जाने का इरादा कर ही लिया? जी सोमनाथ जी, इस घर को बंद देखकर हमें आप लोगों की बहुत याद आएगी। खास तौर पर मेरी बिटिया रोशनी को बहुत मिस करेगी। हम भी आप जैसे पड़ोसी को बहुत मिस करेंगे। गिली 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 गिली। Anyway, all the best. Thank you. अबू। हाँ बेटे। अबू। जल्दी आना अबू। रोशनी। मुझे अपाहिज बना दिया, मुझे इसका दुख नहीं, मगर क्या कसूर था मेरी रोशनी का, क्या गुनाह किया था मेरी चांद ने? उन कातिलों ने मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी और बच्ची को बारूद से उड़ा दिया। बुजदिलों ने मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा उस मासूम फूल को दे दी। मेरी रोशनी को मुझसे छीन लिया कामनी, मेरी रोशनी को मुझसे छीन लिया। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? ताकि अपनी रोशनी की जुदाई के मनहूस दिन को भुला ना सकूं। एक बदकिस्मत बाप अपनी बेटी के जन्मदिन पर हर साल इन लोहे की सलाखों से जख्म करके उस आग को जिंदा रखता है जिस आग में जलकर उसकी खुशियां राख हो गई। अपने आप को घाव लगाकर आप रोशनी की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। नहीं, जन्मदिन पर अपनी औलाद को कोई ऐसा तोहफा देता है? ऐसी बात नहीं है कामनी, ये बदकिस्मत बाप हर साल अपनी रोशनी के जन्मदिन पर न जाने कितने तोहफे इकट्ठे करता है, पर उनको लेने वाला कोई नहीं है। उसकी रोशनी जरूरत है। जेके साहब, एक बार आपने कहा था मेरी आंखों में झांक कर देखो कामनी, अपने घावों का मरहम तलाश कर लोगी। आज मैं आपसे कहती हूं मेरी आंखों में झांक कर देखिए, आप रोशनी को तलाश कर लेंगे।
पिस्को वाला जानवर लगता है। जाने दो गया। आगे आगे तोपे को गोला पाजी पाजी निशी दिगन भरे रे। आगे आगे तोपे खिलौना। सर आपका फोन। कौन तुम्हारा बाप जेके? खिलौने से दिल बहला। चूहों की तरह छुप छुप कर क्यों वार कर रहे हो जेके? चूहों की तरह छिप छिप कर नहीं, हम तो चूहे के साथ बिल्ली की तरह खेल रहे हैं। मर्द की औलाद हो तो सामने आकर खेलो। औरतों की आड़ में पनाह लेने वाला सामने आने से क्यों डरता है? सामने आने से नहीं राय, डरते हैं तो सिर्फ इस बात से, हमारे सामने आने से कहीं तेरे दिल की धड़कने ना बंद हो जाए। मेरी धड़कने कुत्तों के भौंकने से बंद नहीं होती। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे कुत्ते पाल रखे हैं। बड़े हैरत की बात है, इतने सारे वफादार कुत्तों के बीच रहकर भी तो जैसा नमक हराम जानवर कैसे जी रहा है। मेरे सामने होते तो तुम्हारी गर्दन तोड़ देता। दूसरे हाथ पर भी स्टील चढ़ जाएगा। घबरा मत, अब वक्त आ गया है तेरे रूबरू होने का। हम आ रहे हैं बलवंत। इंतजार कर। चाय पी ले। अरे सोने देना यार, चाय ठंडी हो जाएगी। ए, तू बुला देना। तू अपना नाटक छोड़ भोला। नाटक? मैं नाटक करता हूँ? हाँ हाँ, तू नाटक कर रहा है। क्यों? मैं तेरे से प्यार नहीं करता क्या? नहीं करता। ए, ये सुबह सुबह क्या हो गया तुझे? अगर तुम मुझसे प्यार करता होता तो मेरी बात मानता, रात रात भर आवारा गर्दी करते नहीं घूमता, एक छोटा मोटा धंधा शुरू करता, एक खोली ले लेता। खोली? अरे मैं तेरे लिए बंगला बनाने की सोच रहा हूँ यार। बस कर भोले, बस कर, मुझे और सपने दिखाना छोड़ दे। मैं नंदी भैया को और तड़पते नहीं देख सकती। अब एक और एहसान कर दे मुझ पर, चला जा यहाँ से, चला जा। पारो, मत रो। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था भोले? नंदी, मैं तो तुझे दोस्त समझकर अपने घर लाया था, तूने मेरी इज्जत पर। नंदी, ये मेरी बदकिस्मती है कि तू भी मुझे गलत समझ रहा है। मैं पारो से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं इससे। ये सारे फैसले तूने खुद ही कर लिए भोले? तूने क्या सोचा कि मैं दोस्ती की खातिर अपनी बहन को तेरे हवाले कर दूंगा, ताकि कल को वो तेरी शराब और बेकारी से तंग आकर आत्महत्या कर ले? ऐसी ऐसी बात नहीं है नंदी। ऐसा है भोले, ऐसा है। तू नहीं जानता कि तानों का जहर क्या होता है, एक बहन का भाई होना क्या होता है। सारी बस्ती मजाक उड़ा रही है मेरा। भोले, हम पे रहम कर, यहां से चला जा। भोले, यहां से चला जा। ठीक है, चला जाऊंगा, मगर जाने से पहले एक बात कहकर जाऊंगा। भोला इस घर में तेरी इज्जत से खेलने नहीं आया था। मैंने पारो को कोई झूठा सपना नहीं दिखाया। ये साईं बाबा की अंगूठी है। ये अंगूठी पारो को पहनाकर मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं पारो को उसी घर में लेकर जाऊंगा जहां उसे ले जाने का मैंने वादा किया था। थोड़ा सा वक्त दे देना मुझे बस, फिर ऐसा वक्त आएगा दोस्त कि तू सारी बस्ती में सर उठाकर कहेगा कि भोला मेरा यार है। वक्त आएगा ऐसा।
है ये दीवानापन, तुम बिन कहीं क्यों लागे न मन। दीवानापन है ये दीवानापन, तुम बिन कहीं क्यों लागे न मन। तुम बिन प्रिया ओ, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा चाहत में मैं।
ठीक है। जब्बार? जब्बार खान? हाँ जब्बार, जब्बार खान। हमें जिंदा देखकर तुझे बहुत हैरत हो रही होगी बलवंत। बरसों से जिस कब्र पर तूने हमारी कब्र समझकर अपने घमंड का दिया चलाया, दरअसल वो हमारी कब्र नहीं थी, वो तो बारूद का ढेर था। आज हम उसी बारूद के ढेर को आग लगाने आए हैं, तेरे घमंड के चिराग से। वाह जब्बार खान वाह, तो ख्वाब देखने की तुम्हारी आदत गई नहीं। बैसाखियों का सहारा लेकर चलने वाले आसमान को छूने की कोशिश में मुंह के बल गिरते हैं। सोचा था किसी शेर से मुकाबला होगा, मगर तुम तो बहुत बेवकूफ हो बलवंत। दुश्मन की ताकत का अंदाजा उसके शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से लगाना चाहिए, और आज के बाद तेरी खोपड़ी में वो दिमाग ही नहीं रहेगा। बेवकूफ हो जब्बार, गोली चलाने से पहले एक बार अपने चारों तरफ देख लो। लाओ ये तमंचा मुझे दे दो। लाओ। शाबाश। देख लो जेके, हमारे कुत्तों को भी हमारे शिकार की खुशबू आ गई। ये कुत्ते अपने शिकार की तलाश के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मौत बनकर आए हैं बलवंत राय। अपने हाथों को हम तुम्हारे गंदे खून से नहीं रंगेंगे बलवंत राय। अपने कुत्तों के गले में पड़ी हुई मौत को जरा गौर से देखो। बोला ये छोटा सा बम बड़ी से बड़ी चट्टान के परखचे उड़ा सकता है। पिस्तौल फेंक दो बल्लू भाई। पिस्तौल फेंक दे बलवंत, कुत्तों को यहां लाने की क्या जरूरत थी? मेरे गले में भी बम है। अभी तो खेल शुरू हुआ है बलवंत राय, खत्म नहीं हुआ। ये तो एक चेतावनी थी। जेके साहब को बड़ी इज्जत से गाड़ी में बैठा दो बल्लू। बाप प्लीज। अच्छा लगा, बल्लू ने लल्लू से कहा और लल्लू ने गाड़ी खोल दी। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा हूं, तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं राय। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो रहा है। इतना नुकसान हुआ हमारा, एक एक करके पुलिस को हमारे सब ठिकानों का पता चलता रहा, लेकिन तुम ये न जान सके कि कामनी तक ये खबरें कौन पहुंचाता रहा। हम सब पर शक करते रहे, लेकिन ये भूल गए कि ये काम तुम्हारा सौतेला भाई अमर भी कर सकता है। अंडरस्टैंड? क्या बकवास कर रहे हो, भला अमर ये काम क्यों करने लगा? इसलिए कि वो तुमसे बदला ले रहा है। बदला? किस बात का? अपनी पत्नी कामनी का, क्योंकि तुम ही ने कामनी के सूटकेस में अमर के नाम से ड्रग डलवाई थी। तुम ही ने कामनी को फंसाया था ताकि अमर जिंदगी भर किसी से शादी ना करे, उसे औरत जात से नफरत हो जाए, और तुम ये करोड़ों की जायदाद अपने बेटे विक्की के नाम करवा सको। लेकिन अमर ने तुम्हारा वो सपना पूरा नहीं होने दिया। वो कामनी और जब्बार के साथ मिलकर तुम्हें तबार बर्बाद करने में लग गया है। वो इस घर की हर खबर कामरी और जब्बार तक पहुंचा रहा है। वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा बलवंत? नहीं बाब, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि हम पर कोई आंच आए, मैं जब्बार और कामिनी को हमेशा की नींद सुला दूंगा, और अमर
उसे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि हम पर कोई आंच आए, मैं जब्बार और कामिनी को हमेशा की नींद सुला दूंगा। और अमर, उसे तुम ऐसी मौत मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। ये मैंने क्या किया? इन राक्षसों के बहकावे में आकर मैंने अपनी देवी समान कामिनी पर कितना जुल्म ढाया। हेलो। हेलो, ये जेके साहब का नंबर है? जी हाँ। क्या मैं कामिनी जी से बात कर सकता हूँ? यस, मैं बोल रही हूँ। कामिनी, मैं अमर बोल रहा हूँ। कामिनी प्लीज फोन नीचे मत रखना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो हेलो कामिनी, हेलो हेलो। हाँ बोलो। कामिनी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। कितनी जल्दी अपनी भूल का एहसास हो गया तुम्हें। प्लीज कामिनी, मुझे गलत मत समझो, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, सिर्फ एक बार। मरने से पहले मैं अपने पापों का प्रायश्चित तो कर लो। तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे अमर, मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान के गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका जरूर दूंगी। थैंक यू कामिनी, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम भूल भी नहीं सकते हो। कब मिलना चाहते हो? ठीक 2 बजे, गोल्फ क्लब के पीछे। ओके। रास्ते से हट जाइए भैया। हाँ, अपनी बीवी से मिलने के लिए इतनी बेचैनी। वेरी गुड, मुझे जाने दो। जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है अमर राय। अभी तो रात शुरू हुई है, वक्त ही वक्त है। कौन हो तुम? अजीब बात है, एक वक्त था तुम बाप की अंतड़ियों को पहचान लेती थी, लेकिन आज तुम बाप की आवाज को भी नहीं पहचानते। बाप? Yes, बाप। तो ये सब तुम लोगों की चाल थी। अमर राय ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी। अमर ने तो अपना काम कर दिया, अब मैं अपना कर्तव्य दिखाता हूँ। बाप रुक जाओ। अगर नहीं रुका तो क्या कर लोगी? इस सुनसान रास्ते पर और इस तूफानी रात में कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। बाप, मैं कहती हूँ रुक जाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि बाप अपनी चीखे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए संभाल कर रखो, आज मैं तुम्हारी चीखे सुनूंगा, तुम्हारी। राय खानदान वाले तुझे बताना भूल गए बाप, कि जब भी कोई किसी कमजोर या बेबस औरत पर हाथ उठाता है
तो भोला उसे बहुत मारता है। भोले तुम? आप जाओ मेरे साथ, आप जाओ। जेके सोता है तो एक आंख और कान खोल कर सोता है। वो तो हमें वक्त से पता चल गया जो हमने भोला को भेज दिया, वरना ना जाने क्या होता। आखिर तुमने अमर पर भरोसा किया कैसे? कामिनी सांप को कितना भी दूध पिलाओ मगर वो काटेगा जरूर। जिस आदमी को अपनी औरत की इज्जत का ख्याल नहीं वो इंसान नहीं शैतान है। हमें तो हैरत होती है इस बात पर कि तुमने फिर धोखा खा। हाँ जब्बार भाई, फिर से ठोकर तो लगी अपनी चालाकी और अकड़ पर घमंड हो चला था मुझे, आज आप ही की वजह से बच गई। हमारी वजह से नहीं काम, नहीं भोला की वजह से। सुख से रहे यही है दुआ, टुकड़ा मैं तेरे दिल का है माँ तू आके मिल जा। Thank you.
गई माँ जाने तू कहाँ अब लौट आ टुकड़ा मैं तेरे दिल का है माँ तू आके मिल जा जहाँ भी तू है सदा सुख से रहे यही है दुआ टुकड़ा मैं तेरे दिल का है माँ तू आके मिल जा मनाने वाली सीने से लगाने वाली आ भी जा टुकड़ा मैं तेरे दिल का है माँ तू आके मिल जा जहाँ भी तू है सदा सुख से रहे यही है दुआ टुकड़ा मैं डाउन बैठो 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 रिलैक्स क्या बात है मेरी जान खतरे में है प्लीज मुझे बचा लीजिए कौन आपकी जान लेना चाहता है मेरा अपना भाई क्या जी हाँ
वो मुझे मार डालना चाहता है। लेकिन क्यों? जायदाद की खातिर और अपने गलत कामों की वजह से वो और बॉब दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। बॉब? वही मशहूर स्मगलर? वो मेरे भाई का पार्टनर है। पार्टनर? जी हाँ, बलवंत राय का। क्या सबूत है तुम्हारे पास इंस्पेक्टर? सबूत? सबूत है मेरे पास। आपका भाई अमर राय। तो मेरा भाई मेरे खिलाफ सबूत दे रहा है? हाँ। मैं? तुम होश में नहीं हो? होश तो मुझे अब आया है। अरे तुमने मेरे खुशहाल जीवन में आग लगा दी। कामनी को मुझसे जुदा करके उसके दिल में इतना जहर घोल दिया कि वो मेरी सूरत तक देखने को तैयार नहीं। जायदाद की लालच में तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सगे नहीं सौतेले हो। अरे मैं तो तुम्हें भाई समझता था, देवता समझता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा देवता भाई राक्षस है। मुझे तो तुम मारना चाहते ही थे। मेरे साथ देश के उन तमाम नौजवानों को ड्रग्स और जहरीली दवाइयां देकर खत्म करना चाहते हो। तुम्हें तो इस देश से निकाल कर। गुड, वेरी गुड। तुम एक नेता बनने के पूरे गुण है, लेकिन अफसोस तुम अब इस काबिल रहे नहीं। लेकिन इस काबिल तो हूँ कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज सकूं। चलो इसी बात को सेलिब्रेट करते हैं, तुम्हारे सपने को। इंस्पेक्टर, पागल भाई के सपने के लिए चीयर्स। इंस्पेक्टर, तुम पागल हो चुके हो अमर राय। राय साहब, इस पागल से खतरा बढ़ सकता है, इसे किसी मजबूत ताले में रखिए। बिल्कुल। जग्गू। यस सर। बंद कर दो इसे तहखाने में। ओके बॉस। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा भगवान तुम्हारा। तुम और तुम्हारा भगवान। अरे भोला, आज माथे पर तिलक लगा है? मेम साहब, आज अपन का जन्मदिन है। अच्छा, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है? क्यों, किसी और का भी है क्या? जन्मदिन मुबारक हो। लो, मुंह मीठा करो। हाँ, मैं वो हमारे हिस्से का प्रसाद मिलेगा कि नहीं? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप जानते हैं आज भोला का भी जन्मदिन है। अच्छा, एक साथ दो दो जन्मदिन। भाई शंकर और भोला वैसे भी दोनों एक ही भगवान के नाम है। भाई तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू साहब। कामिनी, अनाथ आश्रम फोन कर दिया, तुम जाकर बच्चों को मिठाई बांटो। जी। मिठाई? जी सरकार। बहुत बड़ी खबर लाए हो मुरारीलाल, जिंदगी में पहली बार तुमने अकलमंदी का काम किया। शुक्रिया। ये मिठाई हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस मिठाई के बढ़ते ही हमारे रास्ते के दोनों कांटे खुद ब खुद निकल जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे मुरारीलाल कि कामिनी बच्चों में मिठाई नहीं मौत बांटेगी। भोले, मेरा हाथ क्यों रोक दिया? वो क्या है मेम साहब, इस अनाथ आश्रम का रिवाज थोड़ा उल्टा है। किसी को भी कुछ भी खिलाने से पहले हमारे मुरारी लाल जी जरूर खाते। हट जा पोपट, हट जा। है ना मुरारी लाल जी? नहीं। मुंह खोलो मुरारी। नहीं। मुंह खोलो मुरारी, क्योंकि लड्डू खाने के लिए तुम्हारी लाल कब से टपक रही। नहीं बिल्कुल। ये क्या बदतमीजी है? एक मिनट मैम साहब, एक मिनट। मुरारी मुंह खोलो, वरना ये लड्डू तुम्हारे मुंह में घुसा डालूंगा मैं। बेटे, मुझे मीठा खाना मना है। मीठा खाना मना है कि ये लड्डू खाना मना है? सब कुछ। ऐसे कैसे मना? थोड़ा सा नहीं, कुछ नहीं। अरे खा ले। नहीं। अरे खाएगा नहीं, बिठा है ना। इसमें जहर है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। चल। भोले, आज तुम्हारी वजह से इन बच्चों की जान बच गई। मेरी वजह से नहीं मेम साहब, किसी माँ के आशीर्वाद ने बचा लिया बस। हेलो मुरारी, काम हो गया? इस काम में अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं थी कमजर। कौन सा काम? वही काम जिसके लिए तूने उन बेसहारा बच्चों को चुना, उन मासूमों को जिनकी चिताओं को आग लगाने वाला भी कोई नहीं रहा, उन भोले भाले बच्चों को जिनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं रहा। मगर ये तू भूल गया बलवंत कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
शैतान जहर बना सकता है मगर मौत नहीं बांट सकता। अरे ओ नीच, ये लड़ाई तेरी और हमारी थी, उन अनाथ बच्चों को बीच में क्यों लाया? मगर अब हम भी ये लड़ाई तेरे ही ढंग से लड़ेंगे। तेरा अपना बेटा विक्की बहुत दिनों के बाद वापस आ रहा है ना? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा राय साहब। मुझे मेरे बेटे की सिक्योरिटी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। अरे कैसे चिंता ना करो, एक आदमी मुझे खुलेआम धमकी दे रहा है और तुम कहते हो कि चिंता ना करो। एक बात याद रखो इंस्पेक्टर, अगर मेरे बेटे विक्की को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी ये वर्दी उतरवा दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी पूरी पुलिस फोर्स मेरे बेटे की सिक्योरिटी पर लगा दो। और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे बेटे विक्की का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हारी खाल उतरवा कर उसमें भूसा भर दूंगा। मुझे मेरा बेटा विक्की सही सलामत चाहिए। लीजिए राय साहब, आपका बेटा सही सलामत वापस आ गया। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, जस्ट वेट, ओह गॉड, अरे मेरा बेटा पाप। कितना बड़ा हो गया है आप भी, कितना बूढ़ा हो गया पाप। क्या बात कर चाची। अरे बेटा ये तेरा चाचा नहीं मेरा दोस्त है। चाचा नहीं तो फिर इसका शक्ल आपकी शक्ल से इतना क्यों मिलता है पाप? ओके थैंक यू इंस्पेक्टर, आओ बेटा आओ चलते, सफर से बहुत थके हो गए। डाउट आता है। आओ मेरे बच्चे आओ। आओ पापा, वेरी अनहैप्पी विद यू। क्यों बच्चे? आपने इतना बड़ा बटालियन हमारे स्वागत के लिए क्यों बुला लिया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा स्वागत? क्या है कि शहर में हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी दुश्मन तुम पर जरा सी भी आंच पहुंचाए। आपने मेरा सारा प्रोग्राम चौपट ही कर दिया, यू नो। तुम्हारा मतलब चौपट कर दिया? व्हाटएवर। कौन सा प्रोग्राम? आई वांटेड टू गिव सरप्राइज टू यू। कैसा सरप्राइज? मैं देखना चाहता था कि आप मुझे पहचानते हैं या नहीं। अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लाखों करोड़ों में भी पहचान लेता। कैसे पहचानते? हाउ? आपने तो मेरा बचपन से फोटो भी नहीं देखा है। मैं तुम्हें तुम्हारी नीली आंखों से पहचान लेता। परसों से तुम्हारी नीली आंखें नहीं देखी, एक बार दिखा दो मेरे बच्चे। पापा, पापा मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर ने मुझे चश्मा उतारने से मना किया है। अरे थोड़ी देर के लिए उतार दोगे तो कुछ नहीं होगा, एक ही तो यादगार रह गई है तुम्हारे बचपन की, तुम्हारी शरारतों की। याद है जब भी मैं तुम्हारी नीली आंखों में देखता था तो मैं समझ जाता था कि क्या चाहिए मेरे बच्चे को। दिखा दो मेरे बच्चे। पापा, you're getting on my nerves. आप जिद कर रहे हैं। बेटे, बस एक बार दिखा दे अपनी नीली आंखें। बच्चे, पापा, आई एम वेरी हंग्री, मेरे को बहुत भूख लगा है। अरे मैं अपना जिगरा निकाल कर दे दूंगा तुझे। ए डारी, हमको कितने दिन और यहाँ रहने को पड़ेगा? हाउ मेनी मोर डेज? जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। पापा, चाचा नहीं है, उन्हें मालूम नहीं मैं आ गई? बेटे तुम्हारा चाचा अमर पागल हो गया है। He's gone mad. यानी कि आपने उन्हें पागलखाने पहुंचा ही दिया? पागलखाने में नहीं बेटे, तहखाने में।
ये देखो। अपने चाचा को देख लिया विक्की बेटे। कुछ देख लिया बाप। कौन कौन हो तुम? मैं विक्की। विक्की विक्की बेटा, क्या तुम भी मुझे मारने आए हो? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें जो चाहिए, मेरी दौलत जायदाद तुम सब ले लो, लेकिन मुझे मारो मत। मैं सब कुछ पहिया और तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मुझे यहां से जाने दो। मैं मरने से पहले एक बार कामनी से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे मौका दे दो बेटा। कौन कामिनी? कामिनी मेरी पत्नी, वो कामिनी जिसे मैं ब्याह कर अपने घर लाना चाहता था, लेकिन एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम अपने डैडी से कह दोगे। मैं अपने पापा से कुछ नहीं बताऊंगा। क्या हुआ था एयरपोर्ट पर? नहीं बेटा, तुम कोई भी औलाद अपने बाप की बुराई सुनना नहीं चाहेगी। मैं सुनना चाहूंगा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। सच्चाई? सच्चाई यह है कि भैया ने कामिनी को ड्रग्स के इल्जाम में फंसाकर जेल तक पहुंचा दिया था। तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे दिल में उन्होंने कामिनी के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि मैं उस मासूम बेकसूर औरत को धुतकार कर चलाया। और एक रोज जब मुझे हकीकत का पता चला कि भैया ने जायदाद और दौलत के लिए ये सब किया है, तो मैंने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जहरीली दवाइयों का इंजेक्शन मुझे लगाकर, नशीली दवाइयों का इंजेक्शन लगाकर फिर से बेहोश कर दिया और गांधी के सामने एक बार फिर गुनाहगार साबित कर दिया और मुझे पागल करार करके इस बहकाने में बंद कर दिया। भैया और प्रभाष बाप। ये तस्वीर देखो, बलवंत राय और उसके बेटे विक्की की। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है ये विक्की। आज रात राय साहब करोड़ों रुपया खर्च करेंगे अपने बेटे की पार्टी पर।
और अपनी जायदाद उसके नाम लिखेंगे। बड़े बाप की औलाद है ना। क्या है, इस पागल को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? आउच, मैंने सोचा कि पार्टी में चाचा आएंगे तो लोग बोलेंगे पापा कितना अच्छा है।
हैप्पी सी हैप्पी डी हैप्पी। ए राजा राजा अब तो मैं हूँ राजा, राजा राजा अब तो मैं हूँ राजा। साथ तुम्हारा मुझको मिला है अब तो बजेगा प्यार का बाजा। I have seen England, I have seen Holland, I have seen Poland, but I have never seen such a sweet, sweet papa. Papa, papa, oh, mere sweet papa. Hare bolo, bolo, oh, mere sweetie papa. Saath tumhara, mujhko mila hai, ab to bajega, pyar ka baja. थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज का दिन बलवंत राय की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज से मेरे सारे कारोबार, मेरी दौलत और मेरी जायदाद का मालिक मेरा बेटा विक्रम यानी विक्की होगा। कौन क्यों भी आते हैं अंदर? बलवंत राय, रुक जाओ। बाब, तुम मुझे शुभ काम करने से क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें तबाही के खड्डे में गिरने से बचा रहा हूँ। लगता है पुलिस ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। जिसे तुम अपने हाथ काट कर दे रहे हो वो तुम्हारा बेटा विक्की नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये जब्बार और कामनी का एक मामूली सा गुलाम है और नाम है इसका भोला। भोला? चले वाकड़े, तू आधा ठीक बोला आधा गलत बोला। मैं हूं तो भोला, मगर किसी के हुक्म का गुलाम नहीं हो। मेरा बेटा विक्की कहाँ है? मेरे कैद में है यार। बलवंत राय, तुम अपने आप को बहुत बड़े खिलाड़ी समझते हो, मगर तुम भूल गए इस बार तुम्हारा मुकाबला कैसे खिलाड़ी से हुआ जो हर खेल में तुमसे माहिर है। अरे क्या करता है यार, पागल हो गया है क्या? एक गोली चली तो हजारों गोलियां चल जाएंगी यार। बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। बलवंत राय, पिच्छू पिच्छू मुड़ कर देख। मौत तुझे बड़े नजदीक से ताक रही है। चलिए। आखिर भोले ने ऐसा क्यों किया? अमर को उठा के ले जाने की उसे क्या जरूरत थी? मैडम, भोला को जरूरत है रुपयों की और आपको जरूरत है अमर बाबू की। शायद भोला सौदा करना चाहता है। ये सौदा भोले को बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर भोला मेरी मंजिल के सफर में रुकावट बनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे रौंद कर निकल जाऊंगी। कौन हो तुम लोग? भोला कहाँ है? भोला? हाँ हाँ, भोला। भोला यहाँ नहीं है? मैंने पूछा भोला कहाँ है। बहरा है क्या? बोला ना भोला नहीं है। खामोश लड़के। ए मिस्टर, साला मेरे भाई का हाथ खाता है। चल। भोला कहाँ है? भोला वहाँ नहीं था मैडम, इसलिए अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हमें यहाँ उठा ले आए। काश वहाँ भोला होता ना तो इन सब की लाशों की ढेर यहाँ मिलती। ए पाखरू, पिस्तौल दिखाकर रोब जमाना बहादुरी नहीं है। माँ का दूध पिया है तो एक बार छू कर तो देख। टायर की तरह ना फोड़ देना बुढ़े, तो मेरा नाम पारो नहीं है। हाँ, तुम बोलती बहुत हो पारो। पारो जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। मैं तुम्हारे इन किराए के टट्टुओं की तरह तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ मैम साहब। तुम किसी के गुलाम नहीं हो पारो, हमें तो सिर्फ भोले की जरूरत है। भोले की जरूरत है? क्या प्यार हो गया है भोले से? अपनी औकात मत भूल बदतमीज लड़की। नहीं पारो,
हम अपनी औकात नहीं भूले मेम साहब। आज तक मेरी बहन पर हाथ उठाने की किसी ने जरूरत नहीं की। अगर आप उम्र में बड़ी ना होती तो मैं मानता हूं कि पारो ने गलती की, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं, पूछ सकता हूं कि इस बर्ताव की वजह क्या है? क्या दुश्मनी हमारी आपके साथ? तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हमारी दुश्मनी है भोले के साथ। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारी मोहब्बत और हमदर्दी का बदला उसने नीचता से दिया है। जिस थाली में खाता रहा है उसी में छेद किया है। मेम साहब, जबान को रोक कर रखिए, वरना भोला आपके गुरूर और घमंड की धज्जा उड़ा कर रख देगा। अगर उसे पता चला तो किसी को माफ नहीं करेगा, सबको जलाकर राख कर देगा। वो भोला जरूर आएगा, हम उसका इंतजार करेंगे। आपका इंतजार खत्म हुआ, भोला आ गया है। भोला, पता है सब साले लोग हम दोनों को यहाँ उठा कर लाए, और तेरी मेम साहब, इसने मुझे लाफा मारा। और पता है तेरू क्या कहा इसने, कि तू नमक हराम है, तूने इनके साथ विश्वासघात किया है, इनकी मोहब्बत का जवाब तूने निष्ठा से दिया है। चल चल कर बता दे कि तू ऐसा आदमी नहीं है, चल बोलना। तू बोलता क्यों नहीं? क्यों, चुप क्यों लग गई भोले? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, बात क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं भोला? सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है इसमें, वरना सर शर्म से इस तरह झुक नहीं जाता। क्या कीमत है अपने इस काम की? कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? क्या दाम है अमर राय का? हमारी मोहब्बत और प्यार का मोल क्या है नमक हराम? आप लोगों की मोहब्बत और ममता का कोई मोल नहीं है मेम साहब। तो फिर ऐसा क्यों किया? देखो भोले, हम तुम्हें अब भी माफ कर देंगे। हमें हमारा दुश्मन दे दो, अमर को हमारे हवाले कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हम बताते हैं कामिनी, ये इसलिए नहीं कर सकता कि ये आस्तीन का सांप है। ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसकी आंख में सुअर का बाल उतर आया है। ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमने नाली के कीचड़ को माथे का तिलक बनाया है। जय के साहब, खामोश। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मुंह से हमारा नाम लेने की? धोखेबाज, फरेबी। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ, मैं फरेबी हूँ। मैंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है, मगर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया और उसके बदले में मैंने आप लोगों को तकलीफ दी, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। अगर आप मुझे दुनिया भर की खुशियां भी देती ना, तो भी मैं ऐसा ही करता। माँ बनकर अपने खून को दूध में बदलकर मुझे जिंदगी भी देती तो भी भोला ऐसे ही करता। क्यों? इसलिए कि आपका दुश्मन नमर राय मेरा बाप है। चल पारो, चल अभी। का मतलब ये हुआ कि भोला कामनी और अमर राय की औलाद है। अंकल बोल। तुम यहाँ? वो लोग हमको पकड़ ली थी, लेकिन माइकल है ना बहुत अच्छा आदमी, वो हमको छोड़ दी। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। माइकल जैक्सन का मिनी डिस्को? अंकल बॉब, हम आती। शाबाश, आ गए अपनी माँ के अरमानों की चिता जलाकर। आशा, इसे मुबारकबाद दो, इसकी आरती उतारो, इसके सर पे कामयाबी का सेहरा बांधो। पापा, खामोश। कभी भूल कर ये अल्फाज अपनी ज़बान पर मत आना। तुम्हारा पापा मर गया। ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूँ, कौन लगते हो तुम मेरे? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? ये आपका बेटा है। नहीं, ये किसी का बेटा नहीं, ये किसी का सगा नहीं है। अरे, उस माँ का नहीं हो सका जिसने उसको 9 महीने पेट में रखा। ये उस माँ का ना हो सका जिसने बरसों तक अपने बेटे से मिलने की तपस्या की। और ये उस बाप का 2 पल में हो गया जिसे ये तक पता नहीं है कि उसका बेटा इस दुनिया में है या नहीं है। आप होश में नहीं हैं। होश आज ही तो आया है। और तुम भी अपनी आंखों से ममता का पर्दा हटाकर दुनिया को असलियत की निगाहों से देखो। अरे, ये वो बेटा है जो माँ की छाती पर चढ़कर आकाश से तारे तोड़ लाने की तमन्ना रखता है। पापा,
मेरे चांद तारे तो आप दोनों हैं पापा, और आप ही ने आसमान को छूने की ताकत दी है मुझे। आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम? तुम्हारा पूरा खानदान कामनी का गुनहगार है और तुम भी उस भीड़ में शामिल हो गए। अरे अपनी माँ के सीने पे मरहम रखने के बजाय उसके सीने में खंजर और उतार दिया। माँ में बर्दाश्त करने की ताकत है पापा, डैडी में नहीं है। ये ठीक कह रहा है, हम कामिनी को समझाएंगे। बिल्कुल नहीं, जब तक शंकर कामिनी से माफी नहीं मांगेगा मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। यही सोचकर जी लूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं था, कोई बेटा नहीं था मेरा। अरे मेरा बेटा विक्की, विक्रम, मेरा बच्चा। कैसा है, उन लोगों ने तुझे तंग तो नहीं किया? तंग तो नहीं किया डैड, लेकिन बोर बहुत किया। अगर मैक अंकल वहाँ नहीं होती तो हम तो पागल हो जाती डैड। डैड, मैक अंकल बहुत अच्छी है, तुम उसको अपने ऑफिस में नौकरी देंगी? दूंगा दूंगा। ये ऑफिस तुम्हारा बेटा, यहाँ की सारी जायदाद तुम्हारी है। बलवंत राय, इस जायदाद का एक और वारिस पैदा हो गया है। कैसा बेहुदा मजाक है ये? ये बेहुदा मजाक भोला है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, वो अमर और कामनी की औलाद है। यकीन नहीं आता तो पूछ लो अपने बेटे विक्की से। यस डैड, वो अमर और कामनी की औलाद है। कामिनी, मेरा क्या दोष है? मेरी तपस्या का क्या यही बदला है कि पांव तले से जमीन खींच ली और सर से आसमान? बचपन दिया तो माँ बाप के शब्दों को जबान से छीन लिया, जवानी दी तो सिंदूर के रंग को, औलाद दी तो माँ कहने से पहले नाक बनकर डस ले उसने। नहीं माँ। खबरदार मुझे माँ कहा तो। मगर मेरा कसूर क्या है? अपनी रगों में बहते हुए खून से यह सवाल कर। मेरी रगों में बहते हुए खून का हर एक कतरा माँ का शब्द बनकर मेरे दिल के मंदिर में धड़क रहा है। माँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मेरी आंखों में झांक और अपने दिल पर हाथ रखकर बोल के तू मेरी माँ नहीं, पूछ अपनी नाखों से जो 20 साल तक मेरा इंतजार करती रही और फिर बोल के तू मेरी माँ नहीं। पूछ अपने इन होठों से जो बरसों तक मुझे लोरियां सुनाने के लिए तरसते रहे और फिर बोल के मैं तेरा बेटा नहीं। पूछ अपने इस आंचल से जो बरसों तक उस धूप में जलता रहा जिस धूप में तू अपने बेटे के लिए साया तलाश करती रही और फिर बोल के मैं तेरा बेटा नहीं। पूछ हर उस दिवाले से जो तेरे बेटे की भूख की याद दिलाकर तेरे हलक में अटक जाया करता था और फिर बोल के मैं तेरा बेटा नहीं। पूछ अपनी गुजरी हुई हर उस रात की नींद से और फिर बोल के मैं तेरा बेटा नहीं। पूछ अपने हर उस त्योहार की शाम के जलते हुए दीपक से और फिर बोल के मैं तेरा बेटा नहीं। पूछ अपनी कोख से और फिर बोल के मैं तेरा बेटा नहीं। जल गई वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था, अच्छा हुआ तुझे अपना दूध नहीं पिलाया वरना आज अपने खून से भी मेरा विश्वास उठ जाता। तूने तो मुझसे मेरे ख्वाब छीन लिए। माँ, मैं तो खुद तेरा ख्वाब बनकर जी रहा हूँ। माँ, दूध नहीं पिलाया तो क्या हुआ, तेरे खून का तो कर्जदार हूँ मैं। वो मेरा खून नहीं है। माँ, जो तू तस्वीर देख रही है ना वो हकीकत नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि कसूरवार ना मैं हूँ ना तू है ना डैडी, कसूरवार है वो बलवंत राय। हाँ माँ, जिसने अपने सौतेले भाई की तकदीर को खुद लिखने का फैसला करके हम सबके नसीब का विधाता बनना चाहा, मगर वो भूल गया कि इस जमीन के ऊपर एक आसमान भी है और उस आसमान पर जो विधाता बैठा है उसके हाथों में एक तराजू भी है जिसके एक पलड़े में हम बेकसूर लोग हैं और दूसरे पलड़े में उस बलवंत राय के गुनाहों की गठरी। हमने तो सोचा था कि तुम जेल से निकलकर वापस नहीं जाओगी और कोसती रहोगी सारी जिंदगी उस शख्स को जो तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें एक विधवा से भी बदतर जिंदगी दे गया। और यहां हमारा सोतेला भाई अमर ये सोचकर जीते जी मरता रहेगा कि उसकी खुद की पत्नी ने उसे जिल्लत और रुसवाई दे दी, यानी एक तीर से दो शिकार। पर अफसोस, हमें नहीं मालूम था कि तुम जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसे सपोले को जन्म दोगी जिसे हम अपना बेटा समझकर सारी जिंदगी दूध पिलाते रहेंगे और एक दिन वो फन फैलाकर हमारी छाती पर खड़ा हो जाएगा। उस रोज तुम बच गए शंकर, अच्छा ही हुआ। मर जाते तो तुम्हारी माँ को पता ही नहीं चलता कि शंकर उर्फ भोला उसकी अपनी औलाद है, तुम्हारी लाश पर मातम करने का बेचारी को मौका ही नहीं मिलता। चलो अच्छा हुआ, मजा आएगा, बाप भी होगा, माँ भी होगी, औलाद भी होगी, सबको एक दूसरे की लाशों पर मातम करने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत। राय खानदान की स्टोरी का एंड बड़ा ट्रेजिक होगा बलवंत। बेटा मरेगा, माँ रोएगी। मेरा कोई बेटा नहीं। अरे, ये तुम्हारा बेटा नहीं?
पागल है? कैसी मां है बलवंत? अपनी औलाद को नहीं पहचानती? घर छोड़ो, अब देखते हैं कि औलाद के दिल में अपनी माँ के लिए कुछ है कि नहीं। कपाल, आओ। दोबारा मेरी माँ को किसी ने छुआ तो मैं से जान से मार डालूंगा। बेटे ने माँ को पहचान लिया बाप, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जब तक इसके खानदान के बाकी लोग नहीं आ जाते तब तक यहीं खेल खेलते हैं। बोले शंकर जी, आप ये खेल खेलना कैसे पसंद करेंगे? चाल तुम्हारी, खेल तुम्हारा, लोग तुम्हारे, मैदान तुम्हारा, रेफरी भी तुम बलवंत राय, फैसला भी तुम्हारा। तो ऐसा करते हैं, दो दो आदमियों से खेल खेलते हैं, देखते हैं इस खेल में आदमी कितना माहिर है। लो भाई लो, आओ, सारा खानदान इकट्ठा हो गया, कमी रह गई तो जब्बार खान की, कुत्ते की मौत मारा गया वो। कोई बात नहीं, उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी। अब तुम सबकी अलग अलग चिता जलाने का वक्त मेरे पास नहीं है। ऐसा करते हैं, इनको एक एक करके तेजाब में डाल देते हैं। वेरी गुड। लेकिन बलवंत, शुरुआत बहुत से करते हैं ताकि इस खानदान का बीजी खत्म हो जाए। लोग आती अंदर जाती फिर बाहर जाती, ये धुएं में क्या है? Ah!
चलो इंस्पेक्टर। जेल साहब, मेरा भाई चला गया, मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। हम क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के सामने इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम फिर से अकेली हो गई हो? वक्त और हालात ने तुम सबको फिर इकट्ठा कर दिया है। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बेटा शंकर तुम्हारे साथ है। मैंने और आशा ने तुम्हारे बेटे को तुम्हारी अमानत समझकर पाला पोसा और इस काबिल बना दिया ये तुम दोनों का नाम रोशन कर सके। इस शंकर को तुमने भोले के रूप में देखा था, वो इसका असली रूप नहीं था। इसका असली रूप ये है कि तुम्हारा बेटा एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है। कमी, जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। तुम्हारे बेटे ने जिस तरह नफरत और अहंकार की दीवार को गिराया, उसने साबित कर दिया कि कुदरत के हाथों ने उसे कितना माहिर बना दिया है। इसलिए आंसू पूछ लो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। बेटे शंकर। राजा राजा अब तो मैं हूँ राजा, ए राजा राजा अब तो मैं हूँ राजा। साथ तुम्हारा मुझको मिला है, अब तो बजेगा कार का बाजा। राजा राजा अब तो मैं हूँ राजा, राजा राजा अब तो मैं हूँ राजा।